हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी होम एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो आजकल जो चल रहे हैं आम, तो मैंने सोचा कि आज आप एक वीडियो बना के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आम का घर में ऐसे आम रस वगैरह बनाती रहती हूँ, तो किस टाइप से मैं बनाती हूँ तो आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, मैंने सबसे पहले आम लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिया है, धो के मैंने कुकर लिया है, धो के जब धो दिया उसके बाद मैंने धोने के बाद भी आधा घंटा तक जो है थोड़ा सी आम को पानी में भिगो के रखे थे अच्छी तरह, ताकि उसके दाग वाग निकल जाए और वो साफ हो जाए, और फिर उसका डंठल वगैरह सब काट दिए मैंने। फिर उसके बाद जो है एक कुकर लिया है, तो कुकर में मैं डालूंगी अब आम, तो एक एक करके हम ये कुकर में आम डाल देंगे सीधा, और इस तरह से मैं ये कुकर में पूरा आम को डाल दूंगी, मैं ऐसे डाल दे रही हूँ सब अच्छी तरह धो के, ताकि उसमें दाग वाग ना रहे। तो अब हो गया, ये कुकर में सारे आम डाल दिए, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला ताकि उबाल वगैरह चले जाता है, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने कुकर में लगाया ढक्कन और गैस पे चढ़ा दिया। तो गैस में चढ़ाने के बाद मैंने गैस को ऑन किया, ऑन करने के बाद गैस में कुकर को रख के सीटी, मैंने दो तीन सीटी आने तक, आम जल्दी पक जाता है, तो मैंने दो तीन सीटी आने तक जो है गैस के ऊपर पकने दिया। तीन सीटी आने के बाद बंद करके फिर ठंडा होने दिया, तो जब सीटी निकल गई तो मैंने देखा है, देखिए इतने आम एकदम से गल जाते हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं आम। उसका ये जो आम का जो गुठली है वो अलग हो जाती है, तो एक एक करके ऐसे गुठलियों को अलग कर देंगे हम लोग, और फिर उसके बाद जो है सब छिलका वगैरह उसको भी अलग कर देंगे। इस टाइप से सब मैं एक पतीले में सब आमों को पलट देती हूँ, और ताकि जो है पतीले में थोड़ा सा खुला होता है तो ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि हाथ अभी गर्म न हो रहे तो हाथ लगाया नहीं जा रहा, तो इसलिए इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। अब हो गए आम हमारे ठंडे, तो उसके बाद मैंने हाथ से सारा जो है ऐसे पानी उसको गूंथ के पूरा अलग से निकाल दिया है ऐसे, और गुठलियाँ अलग कर दिए हैं, उसके छिलके अलग कर दिए हैं। ये देखिए कितना उसमें पानी वगैरह डाल के थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, जितना आपको पानी चाहिए, ज़्यादा का पतला नहीं करा है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसको जो है हम लोग, अगर पानी कम होता है तो उसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं टॉप, तो आज मैं टॉव नहीं बना रही हूँ, मतलब चटनी जैसी होती है उसको टॉव बोलते थे, तो मैं टॉव नहीं बना रही हूँ, तो मैं आम रस बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल दिया है, इसमें जीरा पाउडर डाला है मैंने, और काला नमक डाला है, और फिर मीठे के लिए गुड़ डाल देती हूँ, चीनी हम कम ही खाते हैं, तो शुगर के लिए भी सही होता है गुड़ वगैरह, तो मैंने डाल दिया है गुड़, और अच्छी तरह हिला दिया है गुड़ को, ऐसे हिलाते जाएंगे, थोड़ा सी इसको हिला देंगे तो गुड़ का टेस्ट भी अच्छा आता है। काला नमक डाला है, उसके बाद अब हम एक गिलास वगैरह लेंगे, जिससे कि जो है इसको हिला के गुड़ अच्छी तरह जब घुल जाएगा तो गिलास वगैरह में डाल के उसको पी सकते हैं। और इसी तरह से हम बनाते हैं गर्मी में खाने के साथ, पियो यार नाश्ते में तो नहीं करते हैं, लंच में डिनर में जो है हम लोग ये पी सकते हैं, इससे लू वगैरह भी नहीं लगती है, गर्मी में सब लोग को अच्छा लगता है। अब मैंने गिलास ले लिया, तो इसको गिलास में डाल दिया, तो मैंने दो गिलास भर के आपको दिखा दिया। तो गाइस, आपको ये आम रस का कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर जो है आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। प्लीज ऐसा ही सपोर्ट कीजिए आप, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगी।